आप सबको वेलकम करता हूँ एक नए ब्लॉग में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ब्रिटिश कॉलोनी कैसा होता है, जो ये ब्रिटिशर्स की बनाई हुई है। और ये मिल की एक लेबर कैंप है, जो मिल में जो लोग काम करते हैं वो फैक्ट्री में। लास्ट वाला वीडियो में जो आपने देखा होगा, अभी तक वो आपने वीडियो नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लें, लिंक ऊपर में मिल जाएगा। और ये जो देख रहे हैं ये लोग सारे मुफलिसिया हैं, जो लोग इसमें रहते हैं। मुफलिसिया एक उन्हें कहते हैं जो माइग्रेंट होते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, और ये लोग सारे मुफलिसिया ही हैं। और ये लोग काम करने के लिए वर्कर्स आते हैं जो फैक्ट्री में, जूट फैक्ट्री में काम करते हैं। ज़्यादातर इनमें से सारे बिहार और यूपी के हैं। और ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के ये लोग की ज़िंदगी रहती है यहाँ पर, और यहाँ पर रहते हैं काफ़ी लंबी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं वो लोग। और ये एक ब्रिटिश टाइप की कॉलोनी है जो अंग्रेज़ों ने बनाया है, गोरों ने। अच्छी इस टाइप की, जिसमें पूरा आपको टाली मिलेगा और छत पे भी टाली मिलेगा। तो अभी आपको ऊपर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ के छतें भी कैसी होती है। टाली वाली जो ब्रिटिशर्स बनाई है, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की घर है। जैसे यूरोप में आप देखे होंगे टाली रहती है पूरा ऊपर में, वैसे ही वो मिट्टी की बनी हुई होती है टाली, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो तो ज़्यादातर यूरोप में ऐसे यूज़ होते हैं। और अभी मैं अंदर में आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ ये मुफलिसियों की ज़िंदगी कैसी होती है। बहुत ही मज़े आएगा आपको देखने के बाद अंदर में क्या सीन्स है। तो चलिए अभी आपको मुफलिसियों की ज़िंदगी दिखाते हैं। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं हूँ एक ब्रिटिश कॉलोनी में, जो कि इस टाइप्स के आप देख सकते हैं इधर ये लंबी सी। अभी मैं छत पे हूँ और इसके नीचे भी एक, इधर से भी आपको बैक कैमरा से दिखाऊंगा नीचे में। और ये टाली का है, ऐसे टाली का बना होता है। और अभी मैं छत पे हूँ और अंदर का अभी आपको रूम का शेयर करवाता हूँ, दिखाता हूँ रूम कैसा होता है। और ये वो मिल का ही पार्ट्स है, मिल में जो वर्कर्स काम करते हैं वो लोग को ये रूम दिया जाता है रहने के लिए। और ना ही इसमें बाथरूम होती है, ना ही किचन होती है, सब कुछ इनका बाहर होता है। देख सकते हो आप मेरे पीछे एक किचन है, वो यहाँ पे वो लोग वहीं पे बाहर खाना बनाते हैं। और नीचे से पानी वगैरह लीक आता है, ऊपर नल भी नहीं होता, लेकिन नीचे में पानी आपको और वाशरूम वगैरह नीचे में बना होता है उस साइड में। अभी आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। उससे पहले आपको रूम की टूर करवाता हूँ, रूम के अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ रूम कितनी बड़ी है। और यहाँ पे रूम के ऊपर नंबर भी लिखा रहता है कौन सा रूम है। यहाँ पे बहुत बड़ी है, इधर में उधर में भी है, बहुत बड़ी ये कैंप है। अभी अंदर आपको लेके चलता हूँ, अंदर का सीन्स दिखाता हूँ। तो अंदर कुछ इस टाइप के है, आप देख सकते हैं इधर काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है। इधर बेड, जिनका घर है उनसे मैंने परमिशन लिया वीडियो शूट करने के लिए, उन्होंने एक छोटा सा बेड रखा है। और इधर में कुछ सामान है, ऊपर में ऊपर का नज़ारा कुछ इस टाइप का है, आप देख सकते हैं। वो टाली रहता है, टाली का बना हुआ, जो ब्रिटिश टाइप्स की जो होती है कॉलोनी वो लोग की, और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का ही एक घर है। और बहुत ही पुराना है, जैसे लगभग तकरीबन 200 साल पुराना ये कंपनी है और ये कॉलोनी बना हुआ है। और कुछ नहीं है खास ज़्यादा बस, और खाना बनाने के लिए यहाँ पे बना सकते वो लोग। और नहाने के लिए अगर महिलाएं हैं तो घर के अंदर, और नहीं तो जेंट्स हैं तो वो पुरुष लोग वहाँ पे रोड के बाहर नहीं आते, रोड पे ही। और वीडियोस में बाहर को आपको दिखाऊंगा और चलता हूँ, भी आपको बाहर की सीन सिखाता हूँ बाहर कैसी है। तो अभी मैं बाहर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ बाहर की सीन्स। और फैमिली कभी कभी ये लोग यहाँ पर भी कपड़ा वगैरह धोते हैं, देख सकते हैं। और इधर में भी है कुछ इस टाइप्स का, यही सेम है, बहुत बड़ी है। और इधर में पीछे में जो देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में वो वॉशरूम है वहाँ पे, और जेंट्स की है वैसे, लेडीज़ की भी होती है उधर में, घेरा हुआ वो अच्छा सा रहता है। अभी आपको नीचे चलता हूँ और दिखाता हूँ नीचे का सीन। और जो जेंट्स लोग होते हैं वो लोग बाहर नहीं आते इस टाइम में, देखिए यहाँ तो हो गया, यहाँ तो हो गया जो पानी गिर रही है। और ये पानी जो होती है 24x7
खुली होती है, ये एक अच्छी फैसिलिटी है इन लोगों के लिए। ये जो देख रहे हैं ये जेंट्स की है और ये जो मेरे पीछे वाली है ये लेडीज की है वॉशरूम। यहीं पे इनका रूट पे रहता है ऐसा बना हुआ, और टॉयलेट्स के लिए बहुत दूर जाना होता है उधर में, वो सेपरेट ही है। तो अभी आपको आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ आगे की वीडियो को। क्या आ गए हैं और नीचे से कुछ स्टेप्स के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। बस दो ही साइड है, एक लेफ्ट और राइट में, और ये कुछ बना हुआ है चिमनी सा आप देख सकते हैं। तो ये जो अंदर से गैस वगैरह निकलता है उनके लिए उन्होंने बनाया, और इस टाइप छत है ऐसा। और अभी आपको किसी नीचे घर में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ नीचे का घर कैसा है। तो नीचे वाला घर थोड़ा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बरंडा टाइप का दिया हुआ स्पेस है बाहर में, यहाँ पे इजली आप बात वगैरह कर सकते हैं और भी अच्छा फैसिलिटी से कपड़ा वगैरह धोने के लिए। और अंदर की बात करें तो अंदर में ज़्यादा स्पेस नहीं है, यही छोटी सा घर है देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का घर है। और उधर में आपका किचन घर के अंदर ही है, और यहाँ पे आप यूजुअली बर्तन वगैरह धो सकते हैं और कपड़ा वगैरह, और नहाने के लिए भी सही है इधर। तो कुछ इस प्रकार का लेबर कैंप है जो इनका अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, ये सारे ब्रिटिशर्स ने बनाया, और काफ़ी लगभग 200 सालों से ये बना है और अभी तक टिका हुआ है। वो जो फैक्ट्रीज़ थी उनका ही वर्कर है ये लोग सारे, वो लोग दिए हैं इनको। और ये बहुत बड़ी लेबर कैंप है। और अभी मैं रोड पे आ चुका हूँ, और रोड से भी देखिए ये मेन रोड का नज़ारा है। मेन रोड से ऐसा आपको ये फर्स्ट लाइन है, ऐसा लाइन नंबर वन से काउंट होता है, ये नॉन लाइन है आपको, और ये एक नंबर था, ऐसे करके नौ इन्होंने कैटेगराइज किया एक से लेकर नौ तक है। और जिसमें आपको जाना है वैसे आप इजीली फाइंड करके जा सकते हैं, ऐसे लाइन काउंट कर करके एक दो तीन ऐसे सीरियल वाइज है। अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ किस टाइप का है। तो ये देख सकते हैं ये जो राइट साइड में देख रहे हैं ये मिल है, और एकदम मिल का जस्ट पास में ये एकदम मेन गेट से आप एग्जिट करेंगे तो इसमें आप घर आ सकते हैं। ये मिल है इस जो अपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। और ये देखिए ये एक नंबर है लाइन, ये दो नंबर लाइन है, ये जो नीचे है, और ये तीन चार ऐसे ऐसे जो दिख रहा है आपको वैसे काउंट करते चले जाएंगे। और ये मिल गेट है, और मिल गेट के बाद भी इधर बहुत से ये सारे देख रहे हैं, ये सारा ही वो क्वार्टर है मिल का क्वार्टर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।